हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टी वाई बीकॉम एनुअल पैटर्न। तो तुम्हारा जो पेपर है एक्सपोर्ट मार्केटिंग, ओके, 100 मार्क का आएगा। तो अब इसमें क्या पेपर पैटर्न, कौन सा क्वेश्चन आए भी पहले वो समझते हैं। और अच्छी बात, मैंने पूरा वीडियो एक्सप्लेन करा दिया बच्चे लोग, वही जैसे सब वीडियो में बोला। तो पर सब्जेक्ट 200 है, तुमको इसको पूरा सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईजी लैंग्वेज में पूरा समझा दिया, ओके। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हेल्प ले सकते हो, ओके। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले ना बच्चों लोग, तुम लोगों को ना कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लिखने आएगा, मतलब कैसा है आर्ट लिखना रहेगा। तो दोनों बुक मिला के ना तुमको मिक्स दिया रहेगा, तो आपको ये ना इसका टेंशन नहीं लेना। जो बड़े बड़े आंसर पढ़ रहे हैं उसमें से ही ये हेड पॉइंट शॉर्ट में लिखना है, तो 16 मार्क करेगा, 1-2 मार्क करेगा, उसको छोड़ना नहीं, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। फिर हर मॉड्यूल से तुमको 4 आंसर आएगा, 2 लिखना है, ABCD। तो फर्स्ट मॉड्यूल से एक्सपोर्ट मार्केटिंग का फीचर्स इंपॉर्टेंस पढ़ो, इंडियन एक्सपोर्टर को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर है। तो ये जो यूरोपियन यूनियन है ना सार, ये ना किधर मिलेगा, और एक इसका भाई है ACN, NAFTA, वो बाद में देखेंगे। ये 3 आंसर पढ़ना है। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल से तुमको है ना फिर से 4 आंसर आएगा, 3 लिखना है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, IIFTA, एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है ना, तो ये तीन चार टॉपिक, और ये मतलब 3 टॉपिक को कवर करना ही पड़ेगा। फिर बाद में ना क्वेश्चन नंबर 4th में ना आपको ना एक प्रॉब्लम आएगा सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम का मतलब होता है आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे देगा, FOB फ्री ऑन बोर्ड कॉस्ट करने का, एकदम ईजी है, मैंने अच्छे से सॉल्व करके अपलोड कर दिया बच्चे लोग। तो ये तुमको 8 मार्क आएगा, ओके, ये 8 मार्क आएगा। फिर इसके ऑप्शन में आपको केस स्टडी आएगा, क्या आएगा, केस स्टडी आएगा। फिर रोर ऑफ कमर्शियल बैंक, तो एक ये सम सॉल्व कर लेने का, केस स्टडी बोलेगा तो इसके अंदर ही आंसर है, ओनवर्ड्स में डाल के समझा देगा अपने ओन लैंग्वेज में। फिर लास्ट में फिर से 16 मार्क आएगा, फिर 2 लिखने के। तो लास्ट मॉड्यूल से आएगा कंसुलर इन्वाइस, मेट रिसीव, शिपिंग बिल है ना, अंदर ऐसे 3-4 टॉपिक अभी बताता हूँ मैं। फिर वापस शॉर्ट नोट्स आएगा, मतलब आपको एक एक पेज का शॉर्ट नोट भी लिखने का। तो जो आंसर ऊपर नहीं है वो नीचे मिलने वाला है तुमको, है ना, जो ऊपर नहीं दिया वो नीचे मिलने वाला है। तो कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने MP दिया है, राइट। अभी और एक पेपर बता दूँ तो तुमको और ईजी हो जाएगा, इसको मैं कुछ लिखा नहीं हूँ। तो 16 मार्क का कॉन्सेप्ट है, तुमको 8 अटैम्प्ट करना है, ओके। फिर बाद में तुमको क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, क्वेश्चन 4 है, तो 2 अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 4 आएगा, 2 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4th में प्रॉब्लम आएगा, मस्ट में केस स्टडी वाला अटेम्प्ट करना है। फिर लास्ट चैप्टर से आंसर आएगा, तो एक आंसर उधर बोला था ना, मार्क किया था ना, कमर्शियल इनवाइस शिपिंग बिल घुमा फिरा क्या था, बिल ऑफ लेडिंग आएगा। फिर बैंक, WTO, SIDBI, डीम एक्सपोर्ट आ ही रहा है, कमोडिटी बोर्ड है ना। तो ये तुम्हारा पेपर पैटर्न था, ये दूसरे पेपर पैटर्न का था, ठीक है। तो और इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नंबर तो होया है, आप लोग मैसेज कर देना, सब सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड लव यू ऑल।